हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर हारिस, माइसेल्फ हारिस अब्दुल्ला। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे यूट्यूबर की, एक ऐसे चैनल की जिस पर जितना व्यू आया हुआ है आप बिलीव नहीं करेंगे। उतना व्यू ना तो इंडिया की यूट्यूब सेंसेशन भुवन बाम के ऊपर है, ना ही मोस्ट लाइक वीडियो आप अमित बढ़ाना उनके ऊपर भी नहीं। मतलब ना भुवन बाम का उतना व्यू है, ना अमित बढ़ाना का, ना आशीष चंचलानी का, किसी भी यूट्यूबर का जो इंडिया टॉप यूट्यूबर्स हैं टॉप फाइव, उनके किसी भी यूट्यूबर के इतने ज़्यादा व्यू नहीं है जितना व्यू उनका आया हुआ है। गाइज, आप सब उनकी वीडियोज हो सकता है देखें, हालांकि मैं बात करूं उनके सब्सक्राइबर्स की तो उनके सब्सक्राइबर्स भी भुवन बाम से कम है, अमित बढ़ाना से कम है, आशीष चंचलानी से कम है। फिर भी दोस्तों, जितना भी उनकी वीडियोस पर आया है आज तक किसी की वीडियोस पर नहीं आया। अमित बढ़ाना की वीडियोस पर 40 मिलियन व्यू मैक्सिमम आया हुआ है अभी तक, लेकिन गाइस जो व्यू उनकी वीडियो पर आया हुआ है वो मैं व्यू बताऊं आपको तो शॉक्ड रह जाएंगे। जैसे मैं कहता कि 10 गुना ज्यादा है अमित बढ़ाना से, उसका व्यू है 482 मिलियन करंटली। आप जाके देख सकते हैं, 482 मिलियन बहुत होता है यार। मतलब ये इतना व्यू अभी तक भुवन बाम का भी नहीं है, अमित बढ़ाना का भी नहीं है, किसी का नहीं। आज मैं उन्हीं यूट्यूबर के बारे में बात करने वाला हूँ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअली मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब को, हर चीज़ को, किस तरीके से मेरा काम ही है कि एक्सप्लोर करना चीज़ों को, जो चीज़ आप तक नहीं पहुँच सकती उसे एक्सप्लोर करके एक खूबसूरत तरीके से आप तक पहुँचाना, यही मेरा मोटो है। इसलिए मैंने चैनल शुरू किया एक्सप्लोर हारिस। गाइज, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो साथ एंड तक बने रहिएगा, इसे ज़रा भी स्किप मत करिएगा। मैं उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में बताऊँगा। दोस्तों वीडियो साथ बने रहिए, थैंक यू गाइज। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिन यूट्यूबर की बात करने जा रहा हूँ तो मैंने बता ही दिया है कि 482 मिलियन व्यू है उनकी वीडियोस पर। आप भी एक्साइटेड होंगे कि वो कौन सा यूट्यूबर है। मैं ज़्यादा आपसे वेट ना करवाती हूँ, बताने जा रहा हूँ उनका नाम। उनके चैनल का नाम है खानदेसी मूवीज। छोटू का एक करेक्टर प्ले करने वाला एक बच्चा है, हालांकि वो बड़ा है, दिखने में बच्चा टाइप का लगता है, बट ये है कि अदर यूट्यूबर्स के रिस्पेक्ट में वो भी बच्चा ही है। और खानदेसी मूवीज का चैनल है, उस पर उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी 5 मंथ पहले, जिसका टाइटल दिया था उन्होंने छोटू के गोलगप्पे। आप ये वीडियो जाके सर्च करिएगा इस वीडियो को, तो आप देखेंगे वहां पे आप जाके पाएंगे कि अभी उसका 482 मिलियन हो गया। कल अभी 480 मिलियन था, आज 482 मिलियन व्यू है उनकी वीडियो पर। बहुत है 482 मिलियन व्यू यूट्यूब पर पाना। इवन अगर सब्सक्राइबर्स की बात करूं तो भुवन बाम के जहां 14 मिलियन है, अमित बढ़ाना के जहां 15 मिलियन है, आशीष चंचलानी के 12 मिलियन है, वहां उनके अगर सब्सक्राइबर की बात की जाए खानदेसी मूवीज के सब्सक्राइबर की, तो टोटल अभी 10 मिलियन है। इनके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, लेकिन फिर भी इनकी वीडियोज पर जो व्यू आए हैं वो 482 मिलियन है। गाइज, ये हुआ कैसे, इसके पीछे का आप लॉजिक थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मैं आपसे बताऊं कि इसमें थोड़ा सा ये हुआ कि वो बच्चे हैं, और मतलब एक उनकी वीडियो कॉमेडी टाइप में आ जाती है, एक बच्चे की वजह से उनको, जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और बड़े इसलिए देखते हैं कि वो एक छोटा बच्चा है, इतनी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी करता है वीडियोस बनाना, उसको एडिट करना और एक अलग ही स्टाइल मेंटेन करना, कि छोटा होते हुए भी बड़े करेक्टर प्ले करना और एक बहुत ही मतलब एल्डर बन के, बहुत ही बड़ा बन के उसको वीडियोज में अपनी अपनी कॉमेडी मतलब मेंटेन करना, उसको कॉमेडी करना कि एक छोटा बच्चा है वो अपने लेवल से ऊपर उठकर काम कर रहा है। तो गाइज, इसीलिए शायद उनकी वीडियो से बहुत ज्यादा व्यू आए हैं, क्योंकि बच्चे तो पसंद करते ही हैं, और छोटे इसलिए बच्चे तो पसंद करते हैं ऑलरेडी, और बड़े इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है वो एक्सट्रीम लेवल का काम कर रहा है। और गाइज, मैं आपको बताऊं, मैंने इस पे कमेंट पढ़े तो हजारों में कमेंट भी है इस वीडियो पर, जहां पे 482 मिलियन है वहां हजारों में कमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों में कमेंट पड़े हुए हैं। मैंने उस कमेंट को मतलब सारे तो नहीं, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द कमेंट्स पढ़े जो जिन पर हार्ट मिला हुआ था, मैंने कमेंट पढ़े। कुछ वीडियोज में कुछ कमेंट तो ऐसे भी थे जिनमें कुछ लोगों ने कहा है कि मतलब ये छोटू जो है ये उससे अच्छा काम कर रहा है, भुवन बाम से अच्छा काम कर रहा है, आशीष चंचलानी से अच्छा काम कर रहा है, अमित बढ़ाना इनके टक्कर में नहीं है। तो गाइज, मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट इनकी वीडियो पर लाइक आया, अच्छी बात है, 482 मिलियन व्यू है ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो काम भुवन बाम कर रहा है, जो काम अमित बढ़ाना कर रहे हैं, जो काम आशीष चंचलानी कर रहे हैं, वो भी कम मुश्किल काम नहीं है। भुवन बाम एक साथ 5-6 करेक्टर प्ले करते हैं अलग अलग वॉइसेस में अलग अलग टाइम पे, कि जब एक करेक्टर की एंट्री होती है तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि मतलब ये भुवन बाम ही है, लगता है जस्ट दूसरा करेक्टर आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी को लाइक करिए, किसी को उसके रिस्पेक्ट में डिसलाइक मत करिए। भुवन बाम का स्टेटस अपना एक अलग है, उनका क्रेज एक अलग है, खानदेसी मूवीज का क्रेज एक अलग है। 482 मिलियन भी हो गया, 500 मिलियन हो सकता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो काम भुवन बाम कर रहा है वो इसके रिस्पेक्ट में निगलेक्टेबल है, या जो काम ये कर रहे हैं ये बहुत अच्छा वर्क है, ये कॉमेडी कर रहे हैं, इंजॉय करा रहे हैं आपको, आप इससे भी इंजॉय करिए। भुवन बाम का अपना एक अलग स्टाइल है इंजॉय करने का, आप उससे भी इंजॉय करिए। गाइज, हर आदमी अपनी जगह परफेक्ट ही है, जो काम कर रहा है उसके लिए बेस्ट है। खानदेसी मूवीज का 482 मिलियन लाइक आए, मैं उसके लिए उनको सल्यूट करता हूँ कि उनकी मतलब इतना अच्छी वीडियो क्रिएट की। और अब मैं अगर आपको बताऊं, मैं पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो एडिटिंग की जहां तक बात की जाए या उसकी स्क्रिप्टिंग की बात की जाए, तो वो भुवन बाम के रिस्पेक्ट में स्टैंड नहीं करती।
वुअनबाम की जो एडिटिंग है या जो एक प्रॉपर तरीका है उनका वीडियो रिप्रेजेंट करने का, उसके रिस्पेक्ट में उतनी भी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। 42 मिलियन व्यू आया, बहुत अच्छी है, जाहिर सी बात है लोगों ने उसको देखा होगा तब इतना ज्यादा व्यू आया। लेकिन अगर आप दोनों को मैच कराएंगे, वुअनबाम की पूरी एफर्ट और इनकी एफर्ट, तो उसके रिस्पेक्ट में इनकी वीडियोज पर मतलब इतना व्यू आया, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इन्होंने इतना ज्यादा व्यू गेन किया इस पर। और गाइज मेरी मतलब मैं इनके लिए दुआ भी करूंगा कि इसी तरीके से वीडियोज बनाते रहें और ये इनका किरदार और ज्यादा निखरता रहे और अच्छे से और आगे जाए, 500 मिलियन हो जाए, फिर 1000 मिलियन हो जाए। लेकिन वुअनबाम का अपना स्टेटस अलग है, इनका अपना स्टेटस अलग है। लेकिन गाइस फिर भी एक इतना छोटा यूट्यूबर, मतलब एक इतना छोटा सा बच्चा अगर 42 मिलियन व्यू क्रॉस कर रहा है, 42 मिलियन व्यू पा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कॉमेडी देखने वाली जरूर होगी। मैं उन कॉमेडी का नाम बता दे रहा हूँ कि खानदेशी मूवीज चैनल है जिस पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और उस वीडियो पर्टिकुलर जो भी 5 महीने पहले अपलोड की गई थी, उस वीडियो का नाम है छोटू के गोलगप्पे। और मैं इस वीडियो की बात बताऊँ, अगर आपको जितना मैंने फील किया इस वीडियो में, कुछ खास उतना नहीं। इसमें होता क्या है कि वो छोटा सा बच्चा, भूख लगी होती है तो वहाँ एक मतलब पानीपुरी की स्टॉल लगी होती है, वहाँ जाता है खाने के लिए, तो पानीपुरी की स्टॉल वाला चैलेंज करता है इसे बातों में कि ये 20 प्लेट्स का ऑफर करता है, मैं 20 प्लेट खा लूंगा एक साथ। तो ऑफर करता है कि अगर तुम 20 प्लेट एक साथ खा लोगे तो फिर मैं तुम्हें ये पूरी दुकान तुम्हारी हो जाएगी। तो छोटू का ऐसा ही स्टेटस रहता है कि वो पूरी 20 प्लेट पानी पूरी खा लेता है, फिर उसे अपनी दुकान देनी पड़ती है। उतना ज्यादा कॉमेडी भी नहीं है जितना मतलब लोग इसे लाइक कर रहे हैं, बट यह काम बहुत अच्छा है, इस लेवल की थिंकिंग बहुत अच्छी है। मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि भुवनबाम का स्टेटस अलग है, अमित बढ़ाना का स्टेटस अलग है, और छोटू की खानदेशी मूवी जिन पर इतने ज्यादा विवाह हैं बेशक देखने वाली है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आप जाके इसको देखिएगा, 482 मिलियन व्यू है, आप इसे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनकी मेहनत की तारीफ करिए जो उन्होंने मेहनत की है। थैंक यू गाइस, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में किसी और के एक्सप्लोरेशन के साथ। मैं अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करता रहूंगा, हर चीज आप तक पहुंचाता रहूंगा, जो चीज आप तक नहीं पहुंचती वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको अपडेट आपका मिल जाए। थैंक यू गाइस।